रथ कल्पना दृष्टांत सर्वप्रथम कठोपनिषद में प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टांत कथा ने कई महान ग्रंथों में इसी प्रकार के चित्रण को प्रेरित किया है, जिनमें भगवद गीता एवं धम्मपाद प्रमुख हैं। यह दृष्टांत इस बात को उजागर करता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मन हमारे मन शरीर और बुद्धि से भिन्न है। जीवन में हमारा लक्ष्य इस सत्य को जानना है और इससे भी बड़े सत्य को समझना है कि आत्मन ही ब्रह्म है। कठोपनिषद में मृत्यु के देवता भगवान यम नचिकेता नामक एक बालक को 3 वरदान देते हैं। अपने अंतिम वरदान के रूप में नचिकेता भगवान यम से कहता है कि वो उसे ये समझाएं कि जीवन और मृत्यु के परे क्या है। भगवान यम भरसक प्रयास करते हैं कि नचिकेता इस प्रश्न का उत्तर ना मांगे, परंतु अंततः उसके दृढ़ निश्चय एवं आध्यात्म भाव से प्रभावित होकर वो उसे यह शिक्षा प्रदान कर देते हैं। भगवान यम कहते हैं कि हे नचिकेता, यह जान लो कि तुम आत्मन हो जो इस शरीर रूपी रथ पर सवार है। तुम्हारी बुद्धि रथ की चालक है और मन उसकी लगाम। तुम्हारी 5 इंद्रियां घोड़ों के समान है और इन इंद्रियों से जो तुम अनुभव करते हो वो उस सड़क के समान है जिस पर रथ चल रहा है। जब आत्मन इस शरीर में जन्म लेती है तो वो इस संसार की भोक्ता बन जाती है। जो लोग इस बात को नहीं समझते उनकी इंद्रियां जंगली घोड़ों की तरह अनियंत्रित हैं, परंतु जो इस सत्य को जानते हैं वो प्रशिक्षित घोड़ों की तरह अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। इस रथ को बुद्धिमत्ता से नियंत्रित करने से ही हम अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जो इस बात को नहीं समझते वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोग अवश्य ही इस दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे, परंतु जो लोग इस सत्य को जान लेते हैं वे इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।